लेसन थ्री है, गो ग्रीन का लेसन थ्री। आवर बॉडी चेटन क्या है, कह रहा है आवर बॉडी इज एन अमेजिंग लिविंग मशीन विच हैज मेनी पार्ट। कह रहा है बच्चों हमारा जो शरीर है वो एक अद्भुत क्या है, जीवित मशीन है जिसके बहुत सारे क्या है, पार्ट हैं, भाग है। ओके कह रहा है द पार्ट्स ऑफ द बॉडी वर्क टुगेदर टू परफॉर्म अ फंक्शन। कह रहा है जो शरीर का जो पार्ट्स होते हैं वो सब एक ही साथ काम करके किसी काम को क्या करते हैं, एक ही साथ किसी कार्य को एक ही साथ करते हैं। ठीक है, किसी कार्य को क्या करते हैं, एक ही साथ करते हैं। ठीक है, दीज बॉडी पार्ट्स आर कॉल्ड ऑर्गन्स। कह रहा है ये जो शरीर के पार्ट्स होते हैं इनको क्या कहा जाता है, ऑर्गन्स कहा जाता है। जो शरीर का हम लोग का पार्ट्स होता है उन सबको क्या कहा जाता है बच्चों, ऑर्गन्स। ठीक है, कह रहे हैं द पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी विच वी कैन सी एंड टच आर कॉल्ड एक्सटर्नल ऑर्गन्स। कह रहे हैं द पार्ट्स ऑफ शरीर का भाग, जो शरीर का जो पार्ट है जिसको हम लोग देख सकते हैं, छू सकते हैं, उसको क्या कहा जाता है, एक्सटर्नल ऑर्गन्स, मतलब बाहरी वाला अंग। ऑर्गन्स मीन्स होता है अंग, क्या होता है, जिनको हम लोग छू सकते हैं, जैसे कि हाथ को छू सकते हो, ये तुम्हारा क्या हुआ, एक्सटर्नल ऑर्गन्स। क्या आपको छू सकते हो, नाक को, मुंह को, ये सब तुम्हारे क्या है, एक्सटर्नल ऑर्गन्स है। ओके समझ में आया, कह रहे फॉर एग्जाम्पल हेड आईज नोज लिप्स स्किन नेक चेस्ट आर्म्स लेग्स एब्डोमेन। हाँ देखो यहाँ पे एग्जाम्पल कह रहा है, एग्जाम्पल दिया है, जैसे हम लोग का सर को देख सकते हो, छू सकते हो, इसलिए क्या है, एक्सटर्नल ऑर्गन्स है। ऐसे ही हम लोग का आईज नोज लिप्स, हाँ लिप्स है, स्किन है, नेक है, और क्या है, चेस्ट है, आर्म्स है, लेग है, चेस्ट है, आर्म्स है और लेग है। एब्डोमेन मींस होता है पेट, पेट भी है कि नहीं, इसको छू सकते हो कि नहीं बच्चों। ठीक है, देखो यहाँ पे दिखाया है, तुम लोग को फिगर में देख सकते हो, इन सब पार्ट को तुम देख भी सकते हो, क्या कर सकते हो, बाहर से देख सकते हो और क्या कर सकते हो, टच कर सकते हो, इसीलिए इसको क्या गया कहा गया है, एक्सटर्नल ऑर्गन्स। एक्सटर्नल ऑर्गन्स समझ गए। ओके आगे कह रहा है द ऑर्गन्स विच आर इनसाइड आवर बॉडी आर कॉल्ड इंटरनल ऑर्गन्स। कह रहा है ऐसे जो अंग जो हमारे शरीर के कहाँ हो, अंदर हो, कहाँ हो, अंदर हो, ऐसा अंग जो हमारे शरीर के अंदर हो, अंदर हो, उसको क्या कहा जाता है, इंटरनल ऑर्गन्स। क्या अच्छा, इस टाइम में मोबाइल खरीदते हो, खरीदाता है तो लोग पूछते हैं ना कि इंटरनल रैम कितना है, पूछते हैं ना, तो वो जो इंटरनल रैम होता है उसको निकाला जा सकता है, नहीं वो ऑलरेडी अंदर ही क्या रहता है, फिट रहता है, वो अंदर रहता है। और एक्सटर्नल क्या होगा, जो तुम चिप लगाते हो, मेमोरी लगाते हो, वो तुम्हारा क्या है, एक्सटर्नल स्टोरेज है। ठीक है समझे, उसी तरह हम लोग के शरीर में भी जिसको हम देख सकते हैं और छू सकते हैं वो क्या है, एक्सटर्नल है, जिसको नहीं, जो हमारे अंदर है वो इंटरनल है। ठीक है, कह रहा है इच ऑर्गन्स परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। कह रहा है जो अंदर होता है वो क्या करता है, प्रत्येक अपना एक विशेष काम करता है। जैसे कि देखो हमारा जो फेफड़ा होता है, सांस लेने में और सांस अंदर करने में और बाहर करने में हमारी मदद करता है। ठीक है, हार्ट होता है जो हमारे पूरे शरीर में ब्लड पहुंचाता है और लाता है, सबका अलग अलग काम होता है। ठीक है, ठीक है, ये अंदर क्यों गए, कह रहा है दे कैन नॉट बी सीन फ्रॉम आउटसाइड। हाँ ये जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं इनको हम लोग देख नहीं सकते हैं। ठीक है, बाहर से हम लोग देख नहीं सकते। अब मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, तुम लोग मेरा दिल देख ले रहे हो, नहीं देख पा रहे हो, और हाथ देख रहे हो ना, जब हाथ देख रहे हो तो क्या है, एक्सटर्नल है, दिल नहीं देख पा रहे वो क्या है, इंटरनल है। ओके अंडरस्टैंड, ये आगे दे रहा है लुक एट द पिक्चर नेम द एक्सटर्नल बॉडी पार्ट विच आर कॉमन टू गर्ल एंड द गॉड। कह रहा है ये जो यहाँ पे फिगर दिया गया है इसमें तुम लोग को क्या करना है, कॉमन, जैसे कि जो लड़की में है और वो बकरी में भी मिलता जुलता हो, जैसे लड़की के पास क्या दुकान है, बकरी के पास भी क्या है,
लड़की के पास एक मुंह है, बकरी के पास भी क्या है? तो ये तुम लोग खुद करके लाओगे। गॉड से और गर्ल से जो मिलता जुलता रहेगा, यहाँ पे तुमको क्या करना है, ये जो लाइन दिया है यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे क्या करना है, फील करना है क्या। ओके आगे देखा जाए। हाँ हाँ एक इंग्लिश में करना है सर। कह रहा है एक्सटर्नल ऑर्गन्स क्या, ठीक है। एक्सटर्नल ऑर्गन्स में क्या बताए हैं, तो यहाँ पे अब एक्सटर्नल ऑर्गन्स को पूरा डिटेल्स में दिया है, जैसे कि हेड दे दिया क्या head। अब यहाँ पे हेड एग्जांपल में सब बताए थे ना, अब इन सब के बारे में भी बता रहे हैं, ठीक है। सुनो, हेड कह रहा है द हेड इज द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी। कह रहा है जो हमारा सर होता है वो हमारे शरीर का ऊपर वाला क्या होता है, भाग होता है क्या। जो हमारे ऊपर का जो भाग होता है उसी को क्या है, ये जो हमारे शरीर का जो सबसे ऊपरी हिस्सा होता है, सबसे ऊपर जो होता है उसको उसको क्या कहते हो, हेड कहते हो। ओके, इट कंटेन्स द ब्रेन विच कंट्रोल ऑल एक्शन। कह रहा है इसमें क्या होता है, इसमें जो हमारा सर होता है इसमें क्या होता है, ब्रेन होता है, दिमाग होता है, जो हमारे हर कार्य को क्या करता है, कंट्रोल में रखता है, ठीक है। कंट्रोल में रखता है ना, दिमाग से सब कुछ करते हो ना, ये हमारे पूरे शरीर को कार्य को क्या करता है, कंट्रोल में रखता है, ठीक है। अब मान लो तुमको मन किया लिखने का, तुम्हारा दिमाग कहेगा कि तुम्हारा मन कर रहा है लिखने का, तो अपने हाथ से लगोगे लिखने, लिखोगे ना। मन कर रहा है कुछ खाने का तो खरीद के खाओगे, तो कंट्रोल कौन कर रहा है, दिमाग कर रहा है, जिसके वजह से तुम लोग क्या कर रहे हो, सारे काम कर रहे हो। ओके समझ गए। कह रहा है इट आल्सो कंटेंट मोस्ट ऑफ आवर सेंस ऑर्गन। सेंस ऑर्गन पढ़ाए तुमको प्रीवियस क्लास में, सेंस ऑर्गन्स क्या होता है बताया ना। yes, sir। ये इसमें जो हमारा हेड होता है इसमें ब्रेन होता है और हमारे सेंस ऑर्गन्स भी होते हैं। कहाँ होते हैं जी, हेड में। ओके बच्चों, हेड में हमारे क्या क्या होते हैं, ब्रेन होते हैं और सेंस ऑर्गन्स भी, जो बहुत सारे सेंस ऑर्गन्स हमारे कहाँ होते हैं, हेड में ही होते हैं, ठीक है। yes, sir। आगे कह रहा है नेक, नेक मीन्स क्या होता है, हाँ कह रहा है द नेक सपोर्ट आवर हेड एंड जॉइंट द हेड टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। कह रहा है जो हमारा नेक होता है ये हमारे क्या करता है, सपोर्ट करता है हमारे शरीर, हमारा जो हेड है वो हमारे को क्या करता है, हमारे हेड को सपोर्ट करता है, किससे, हमारे शरीर से। जो हमारे शरीर से हेड को क्या करता है, ये हेड और बाकी जो हमारा शरीर है दोनों आपस में क्या होते हैं, जुड़े होते हैं, इन दोनों को क्या करता है, ये जोड़ता है, गर्दन ही ना, हमारे हेड को भी और बचा हुआ शरीर को भी एक में जोड़ता है। yes, sir। ये गर्दन है जो बीच वाला भाग, ये हम लोग का क्या करता है, जो सर के नीचे है और ये कंधे के ऊपर वाला जो भाग है ये गर्दन ही है जो हमारे किसको जोड़ता है, हमारे हेड को और बॉडी को, दोनों को आपस में क्या करता है, जोड़ता है। ओके आगे कह रहा है नेक जान गए। ट्रंक कह रहा है, ट्रंक, ट्रंक जो होता है इसके बारे में कह रहा है द ट्रंक है द चेस्ट एंड द एंड द स्टोमच। कह रहा है जो ट्रंक होता है ये हमारा चेस्ट होता है और क्या होता है, स्टोमच होता है। स्टोमच मीन पेट, ये चेस्ट और पेट होता है, जो चेस्ट और पेट वाले पूरे भागों को क्या कहते हैं, पार्ट्स को क्या कहते हैं, इतने पार्ट्स को क्या कहते हैं जी, ट्रंक क्या, ट्रंक। ओके द चेस्ट कॉन्टेंट्स द हार्ट विच पंप्स ब्लड टू ऑल द पार्ट ऑफ द बॉडी। हमारा जो चेस्ट होता है इसके अंदर हमारा हार्ट होता है, क्या होता है, हार्ट, जो क्या करता है हमारे पूरे शरीर में ब्लड पहुंचाता है, पंप करता है, ब्लड पहुंचाता है और लाता है, हमारे पूरे शरीर में क्या करता है, ब्लड पहुंचाता है। ओके डियर चाइल्ड, यस समझ में आया, यस सर। आगे कह रहा है ट्रंक हो गया, यस सर। आगे कह रहा है लिम्स, लिम्स मींस भी होता है अंग क्या, अंग। कह रहा है द आर्म्स एंड लेग्स आर कॉल्ड लिम्स। कह रहा है जो हमारी ये भुजा के उंगली नहीं बोलते हो, यस सर, ये और लेग पैर इन दोनों पार्ट को क्या कहा जाता है, आर्म्स का, लिम्स कहा जाता है, भी मारेंगे इसको, आर्म्स और इस इन दोनों पार्ट को मिलकर क्या कहा जाता है, लिम्स कहा जाता है। हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे थे, पार्ट के बारे में पढ़ रहे हैं, पार्ट
अभी हम लोग एक्सटर्नल पार्ट्स के बारे में पढ़ रहे हैं। कौन से वाले? ये तुम्हारा आर्म और लेग्स तुम्हारा एक्सटर्नल पार्ट्स है ना जी? यस सर। हाँ, तो यही कह रहा है द आर्म्स एंड लेग्स आर कॉल्ड लिम्स। जो आर्म्स होता है और लेग होता है, जो हमारी केवनी होती है और जो पैर होता है, इसको क्या कहा जाता है? लिम्स कहा जाता है। द आर्म्स आर कॉल्ड द अपर लिम्स लिम्स एंड द लेग्स आर कॉल्ड द लोअर लिम्स। कह रहा है जो हमारा आर्म्स होता है, जो ये केवनी होता है, इसको अपर लिम्स कहा जाता है। क्या? अपर लिम्स में ऊपर वाला आर्म, और जो हमारा लेग होता है उसको लोअर लिम्स बोला जाता है। पैर कहाँ होता है? नीचे ना, इसलिए इसको लोअर लिम्स बोला जाता है, जिसको क्या कहा जाता है? नीचे वाला पार्ट। ओके, नीचे का अंग ऊपर का अंग जान गए, अपर लिम्स और लोअर लिम्स जान गए। अपर लिम्स किसे कहते हैं? आर्म्स को, आर्म्स को, और लोअर लिम्स लेग्स। ओके, कह रहा है वी यूज आवर आर्म्स एंड हैंड टू होल्ड टच लिफ्ट थ्रो पेंट इट एंड आल्सो टू कम्युनिकेट। कह रहा है हम लोग अपने आर्म्स का प्रयोग करते हैं, यूज करते हैं किन किन कामों में? किस चीज को पकड़ने में, छूने में, उठाने में, फेंकने में, पेंट में, खाने में, और क्या कुछ चीज को पहुंचाने में हम लोग अपने हैंड का यूज करते हैं। ओके, जान गए? यस सर। वी यूज आवर लेग्स टू मूव, वॉक, स्किप, जंप, होप, डांस, स्टैंड एंड किक। कह रहा है हम लोग अपने पैर का यूज करते हैं किसमें? किसमें? चलने में, कूदने में, फानने में, और डांस करने में, खड़ा रहने में, लात मारने में, इन सब में किसका प्रयोग करते हो? मैं कहूँ लात मारो तो हाथ से करोगे? नहीं, पैर से ही ना करोगे? यस सर। ओके, किक मारने के लिए बोलो, कहूँ या फुटबॉल रखा हूँ, किक मारो तो क्या करोगे? अपने लेग को पीछे करोगे, उसी से क्या करोगे? मारोगे। तो उसी को क्या कहा जाता है? किक कहा जाता है। ओके, अंडरस्टैंड? यस सर।